पास में है लगभग। टाइगर अबे कूद गया टाइगर कूद गया टाइगर टाइगर अबे कूद गया। हमारी जर्नी की जो स्टार्टिंग है जिम कॉर्बेट पार्क में टाइगर की जो सर्चिंग थी हमारी, उसकी स्टार्टिंग क्या थी? हम लोगों का क्या था कि हम लोग दिन भर काम करके लोगों से मिलकर इतना थक जाते थे कि हम सोचते थे कि यार रात में थोड़ा सा शहर की दौड़ धूप से भीड़ भाड़ से निकल करके हम लोग ऐसी जगह जाएं जहाँ जंगल हो, लोग कम हो। तो हम लोगों ने वहाँ पर एक जगह सर्च की और चाय की टपरी जो हम आपको दिखाते भी हैं, वहाँ पर हम लोग सिर्फ कुल्हड़ चाय पीने जाया करते थे। और एक दिन हम लोगों ने क्या डिसाइड करा कि यार चलो एक काम करते हैं, जब यहाँ पर इतना ज़्यादा मैनीटर बाघ का वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने लगी थी जिस बीच में हम जा रहे थे, और बाघ ने क्या किया वहाँ पर 5 से 7 लोगों को किल भी कर दिया था। फिर क्या था हमारी जर्नी, हम लोगों ने देखा कि मैनीटर बाघ है आसपास, तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की और ग्रुप में बात की हम लोगों ने कि अब चला जाए देखते हैं बाघ। तो अचानक हमारे सामने ये घात लगा के बैठा, बैठा। ये बाघ बाघ भाई 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 अपना वो बंद करो, अपना भाई अपने शीशा लगाओ शीशा लगाओ शीशा लगाओ जिंदगी पहली बार बाघ देखा। बाघ जा रहे थे, ये गाड़ी की जो ड्राइव गाड़ी को मैं कर रहा था, अब होता क्या है कि गाड़ी स्पीड में थी और मैं निकल गया। मैंने देखा यार ये ऐसे पत्ते जैसा और लाइनिंग सी है, मैं जस्ट एकदम बोला अरे बाघ बाघ बाघ, तो सब लोगों ने मुझसे बोला कि कहाँ है कहाँ है। तो मैंने गाड़ी ब्रेक की और ब्रेक करके वो जो बाघ का एक प्रॉपर व्यू था और उसकी आंखें जो ऐसे थी देखती हुई हमें, तो हमारे रोम रोम में एकदम सनसनी सी जाग गई। और हम लोगों ने देखा कि यार बाघ को मतलब लाइव देखना और बाघ को कैमरे में देखना या जूम में देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था, हमारा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आमडंडा गेट से, उस पर हमारे कासिम भाई ने कब्जा किया हुआ है और ये रिशु भाई इलेक्शन जीतने के बाद उपाध्यक्ष बन गए, अब हर जगह हाथ जोड़ते हैं। कैमरा भी मेरे हाथ में रहेगा क्योंकि आज रोहित भाई हमारे गायब हैं, ला चुका है अपना ऐतिहासिक पुल। और इस पुल के नीचे जो है ना कम से कम 100 मीटर की गहराई है इस पुल। और आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ आ चुके हैं और ये अपना थकान मिटाने वाला डेस्टिनेशन है। हाँ थोड़ा थकान सी फील हो रही है, तो अब हम आपको चाय के साथ बन भी खिलवाने वाले हैं, बटर बन। तो भैया मैगी खाओगे? बिल्कुल स्ट्रेट ही जा रहा था मेरे हिसाब से, मैंने भी देखा था। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था और वो टाइगर ही था कंफर्म। बिल्कुल हाँ, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा थी उसकी। हाँ हाँ अदरवाइज उसे हम पूरा कैमरे में कैप्चर कर पाते उसे। बिल्कुल। और एक ये भी है ना भैया कि हम काफी टाइम से हिरणों को देख रहे हैं और टाइगरों को देख रहे हैं, तो थोड़ा पता चल जाता है, देख के महसूस हो जाता है कि क्या है क्या नहीं है। वो टोटली डिफरेंट होता है उसका ना, हिरण का मूवमेंट और टाइगर का मूवमेंट अलग ही होता है बाघ का। तो चलते हैं भैया। आए हैं हमारे मोहम्मद सुहेल, सुहेल भाई है हमारे गाजियाबाद से, सुहेल चौधरी। सुहेल चौधरी हाँ, और भैया अदनान जी है। जी अदनान, अदनान भाई है हमारे। हम लोग शाहनवाज भाई के चैनल पर हैं, हम लोगों को बहुत खुशी है और हम इनसे मिलके पहली दफ़ा हम मिल रहे हैं। इनके वीडियो हम डेली देखते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दिखाते हैं, एकदम जेन्युइन दिखाते हैं, दूसरे ब्लॉगर्स की तरह बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, कोई शादी नहीं करते हैं, जो हकीकत होती है वही दिखाते हैं, नहीं तो नहीं दिखाते हैं। कहाँ से आए अभी आप लोग? कहाँ से आए हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद बताओ, गाजियाबाद से जितना हम लोग यहाँ पे घूमते हैं चीज़ें देखते हैं और उतना टाइम तो आप लोग को आने जाने में लग जाता होगा।
बहुत बहुत बहुत, पर यहाँ का जो प्रेम है वो खींच के लिया आता है। और इस चाय के बाद जो है शाहनवाज भाई आपको जो है एक दूसरे बहुत ही अच्छे जो कोर एरिया जो सब लोग बोलते हैं, अभी शाहनवाज भाई आपको सभी लोग साथ चलने वाले हैं, चलेंगे और जंगल सफारी साथ में करते हैं और देखते हैं कि लेट्स सी कि अभी बाघ भी दिख सकता है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ये ना एक्चुअली क्या है, लेपर्ड से डॉग को बचाने की एक ट्रिक है जो गांव वाले यूज करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, गांव वाले ऐसे क्या करते हैं ना कासिम भाई, मेहंदी लगा देते हैं, मेहंदी के स्पॉट भाई। ये देखिए आप, क्या करो कासिम भाई, कितना सिंगा है ये? एक तो 7 सिंगा है, एक 8 सिंगा है। इतना शांत होता ना जी भैया, जंगल जितना शांत होता है हाँ उतनी ज्यादा जिंदगियां इसमें बसती हैं। बिल्कुल भैया, और एवरी मिनट एवरी सेकंड जंगल में कोई ना कोई हलचल चलती रहती है। पता है हम लोग टाइगर के बारे में जितना जानते हैं, अब ऐसा लगने लगा है जब से अभी मेरी जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है उसके 12 दिन हो चुके हैं लगभग, कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है और बहुत कुछ बताना बाकी है। तो मैं बड़ी टाइम से ये सोच रहा था कि हमें नई जो इसकी लोकेशन है, नई से नई जगह है, उन्हें हम किस तरह से ट्रेस करें। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया हम लोगों ने कि हम लोग डे एंड नाइट दोनों टाइम हम जिम कॉर्बेट में एंट्री करेंगे और सर्च करेंगे कि बाकी मॉर्निंग में कहां पर एक्टिविटी है। सुबह भागते हुए जा रहे हैं जल्दी कार ले लें, क्योंकि हमें वहां से कॉल आ गई है, आज बाघ देखा गया है वहां पर अभी, और ये गाड़ी आ चुकी है और ये बहुत जल्दी में है। बाकी मैं सारा सीन आपको गाड़ी में बैठकर बताने वाला हूं कि आखिर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। रोहित भाई, रिशु और कासिम भाई, आज क्या हुआ हमारे साथ, हम अभी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। एक्चुअली आज मैं भी थोड़ा किसी काम में बिजी था, थका हुआ था, और रोहित भाई भी आज लेट आए बाहर से गाजियाबाद से, क्योंकि हम लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती। हम लोग यहाँ से नाइट सफारी करके लगभग 2:30 से 3 बजे के करीब घर पहुँचते हैं, और घर पहुँचने के बाद फिर सहरी करके लगभग 6 बजे के आसपास नींद आती है। 2-2.5 घंटे उसके बाद हम लोगों की आँख खुल जाती है क्योंकि लोगों की कॉल आनी शुरू होती है। अब अचानक क्या हुआ कि हम लोगों के पास एक कॉल आई मेरे मिलने वाले की कि आज टाइगर का मूवमेंट देखा जा रहा है अभी। तो हम लोग एकदम जैसे थे वैसे ही निकल चुके हैं जिम कॉर्बेट की जर्नी के लिए। तो आई विश कि आज हम आपको टाइगर दिखा पाएंगे और उसके बारे में जो भी दिलचस्प बात होगी वो शेयर करेंगे आप और हम, क्योंकि टाइगर के मिलने में, टाइगर को ढूंढने में दिन मैटर नहीं करते। आपको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे या 10 दिन लगे, उसमें उसका मूवमेंट मैटर करता है और बाकी आप लोगों की दुआएं मैटर करती है और हमारा नसीब मैटर करता है कि हम आपको टाइगर का को दिखा पाए और कुछ अच्छा ब्लॉग आपके लिए हम लोग तैयार कर पाए। जिस तरह से बताया गया है कि ज्यादा हलचल है आज, तो आज लगता है कि आज दिखा पाएंगे कुछ। हाँ। अभी जो पीछे वाला टर्न गया है ना, हाँ जी, तो उसी मोड़ पर मुझे हाथियों का झुंड मिला था। कब? अभी कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने रास्ता जाम किया हुआ था और बसेस वगैरह सब रुकी हुई थी वहाँ पर ना। तो ऐसा होता है ना रोहित भाई कि एलिफेंट्स हो या टाइगर हो, उन्हें अपने वजूद का पता होता है कि हम क्या है। जैसे कि ये रोड देख रहे हो आप लोग, तो ऐसा नहीं है कि हाथी की कोई पर्टिकुलर यहाँ से आगे या पीछे कोई रेंज है। अगर हाथी यहाँ पर भी अगर आ जाएगा तो हाथी काफ़ी देर तक, घंटों घंटों तक ये रास्ता जाम कर सकता है और करता भी है अक्सर।
एकदम से आए हैं और सबसे एकदम से अभी जो भाई लोग हमें कॉल कर रहे थे कि यहाँ पर बाघ देखा गया है, तो सभी भाई लोग आ गए हमारे। सलमान भाई भी आ गए हैं, अमान भाई भी आ गए, अमान भाई भी आ गए हैं। क्या नाम भाई? दानिश भाई है। क्या नाम है? दानिश भाई। तो सब जने आ चुके हैं और जरा निकलते हैं बागे की तरफ। मुझे ना ऐसा लग रहा है सलमान भाई कि डॉग को ना स्मेल आ रही है बाघ की, और वो एयर में जैसे हवा तेज चल रही है ना, तो उसकी स्मेल की वजह से वो बोल रहा है इस टाइम ज्यादा। मुझे भी आगे आगे चलो। फूल पास में है लगभग। एक्चुअली यार होता क्या है कि जब हम लोग जाते हैं ना कहीं किसी चीज़ के लिए सोचते हैं, तो कामयाबी जो मांगती है ना वो टाइम मांगती है। ग्रेट अचीवमेंट रिक्वायर्ड टाइम। जो बड़ी उपलब्धियाँ होती है ना वो वक्त मांगती है। तो पहले दिन गए, पहले दिन जाने के बाद हम लोग लौट करके आए। हमें ऐसा लगता था कि पहले दिन जाएंगे और इधर बाघ मिलेगा, इधर कुछ और मिलेगा, इधर कुछ और मिलेगा, और सभी जानवर हमारा स्वागत करेंगे, वेलकम ठाकुर। तो ऐसा कुछ था नहीं। दूसरे दिन हम गए, दूसरे दिन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वही पत्तों की आवाजें थी, वही आसपास हिरन होते थे, और हम लोग हिरन को देखकर अचानक बाघ समझकर डर जाते थे। अरे हिरन, बाघ बाघ बाघ। भैया जी क्या हुआ आज? आज हम लोग बाघ के बहुत करीब थे, बहुत पास में थे, उसकी हमें स्मेल बहुत साफ पता चल रही थी। हमने कोशिश तो बहुत की उसको देखने की, लेकिन वो पहाड़ी के बीच में था तो हमें नज़र नहीं आ पाया। और इस टाइम रात डेढ़ बज चुके हैं, टाइम हो गया डेढ़, और आंखों से मेरे बहुत नींद आ रही है। आपको आप लोगों को फील हो रहा होगा थकान का और नींद का पता चल रहा होगा। तो यही है कि आज 3 दिन कंप्लीट हो चुके हमारी जर्नी को, और कल से आज बिल्कुल भैया बिल्कुल क्लोज थे हम, बहुत ज्यादा क्लोज थे, बहुत करीब थे। क्यों रिचु भाई करीब थे ना आज? बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब थे, बहुत करीब। कासिम भाई ने भी कहते हैं घंटे डेढ़ घंटे वेट भी करा खड़े हो गए एक जगह पर। कासिम भाई ने भी अच्छे से दिखाने की कोशिश की बाघ को कि दिख जाए, वो नहीं दिख पाया। लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा, मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूँ। कोई मुझसे पूछता है कि कोई कहानी सुनाओ, बचपन से एक कहानी याद है मुझे। जैसे हम दो लोग हैं तो मैं दो लोगों को इंडिकेट करूंगा, इस जंगल में हम दो शेर, इस जंगल में हम दो शेर, हम दो शेर बात कर रहे हैं आपस में शेर। अच्छा, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। सही में यार, टाइम भी तकरीबन रात का डेढ़ बज चुका है, और इस मतलब भैया के सीरीज का ये थर्ड डे था। सेकंड डे में अवेलेबल नहीं था, फर्स्ट डे और थर्ड डे आज हो चुका है अपने को। तो आज सही बता रहा हूँ, आज बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। खैर कोई नहीं, अब कल फिर से ट्राई करते हैं, है भैया? हाँ बिल्कुल। और मुझे आज पता चल रहा है कि जो देवानंद साहब आँख पे हाथ मारते थे बार बार, वो थके हुए होते थे, तो आज मुझे मेरी फीलिंग आ रही है। तो सही है, चलते हैं जरा। और कल सुबह एक्चुअली जल्दी आना है, क्योंकि कल अपने को 2 या 3 जगह जाना है साइटिंग के लिए। हाँ हाँ है ना भैया जी? तो वो साइटिंग बताएंगे कल, और मिलते हैं कल के दिन के लिए। हाय एवरीवन, आज हमारा जिम कॉर्बेट पार्क की जर्नी का स्टार्ट हो चुका है, और ये सभी लोग हमारे नाजिम भाई और ये आजम भी बड़ी बेसब्री से हमारी डॉक्यूमेंट्री का वेट कर रहे हैं कि भैया जल्दी लाइए। तो अब हम लोग निकल रहे हैं अपनी जर्नी पर, और आज दिन का टाइम है, आज दिन के टाइम की कॉलिंग, आज दिन के टाइम पर कॉलिंग हुई है वहाँ पर। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इतने दिन से आपको नाइट सफारी करवा रहे, तो आज डे सफारी करवाते हैं। आ चुकी है और कासिम भाई रेडी है निकलने के लिए, और ये रोहित भाई रेडी है, और बस सब तैयारी है। तो
ये है हमारा उत्तराखंड, पहाड़ों की हंसी वादियों के साथ इस ब्रिज पर हम लोग चल रहे हैं और लेफ्ट साइड में जिम कॉर्बेट पार्क के लिए टर्न आ जाता है और यहाँ पर भी दो तीन गेट हैं जिम कॉर्बेट पार्क के। और बाकी आपको पता ही है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने मना किया नाम नहीं बताने का अपना, सबको इन शख्स को जानते होंगे, ये शख्स कौन है, मोटी शख्सियत है। दिन जाने के बाद वही गाड़ी की आवाज़, हवा की आवाज़ और हम लोगों की बातें और थके हुए चेहरे लेकर हम वापस आ गए। लेकिन हमारी जो टाइमिंग होती थी ना आने की, वो टाइमिंग होती थी 3 बजे रात के, 4 बजे, और मॉर्निंग में भी हम थके हुए होते थे। फिर तीसरे दिन हम लोग जाते हैं फिर, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, बार बार जाने से और कुछ ना दिखने से हम लोगों की कहीं ना कहीं हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। तो तीसरे दिन भी हम लोगों ने वही सेम जा करके वहाँ देखा, जा रहे थे उदास मन से और सारी जितने भी कॉर्बेट एरिया था हम लोग काफ़ी सर्च कर चुके थे, वापसी की ओर थे। हमने फिर उम्मीद लगाई कि यार, हमने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, थर्ड डे, और हमने सोचा कि यार ये जर्नी में ना हम लोग अब आएंगे नहीं जिम कॉर्बेट की। बस बातें करते हुए हम लोग जा रहे थे कि अचानक टाइगर, अबे कूद गया टाइगर, कूद गया टाइगर, टाइगर अबे कूद गया टाइगर, कूद गया। फोन दो यार, अपना फोन दो, एक मिनट जल्दी यार, फोन दो ऊपर से खड़े हो जाओ, एकदम वो दिख ऊपर ही हूं, बिल्कुल ऊपर ही हूं। हां जरा मुझे भी दे दे फोन, नहीं दिख रहा, आगे करो कदम, आगे कदम, मैं थोड़ी सी आगे कर लो, थोड़ी सी आगे कर लो, नहीं है कहीं नहीं रहा वो, नहीं भी है अभी, पूरा देखा मैंने। एक बाघ हमारे सामने आता है और वो नीचे की ओर पहाड़ की तरफ जंप लगाता है, तो फिर हमारी नींद जाग जाती है और हम लोग देखते हैं कि क्या गया सडनली। लेकिन फिर हमने सोचा कि यार ये भी हम लोग प्रॉपर देख नहीं पाए, 1 सेकंड 2 सेकंड की इमेज थी, फिर हम लोग थके हारे घर पर आ जाते हैं। तो भाई ने कहा, भाई क्या हुआ, टाइगर किंग? तो मैंने भैया से बोला कि कुछ मिल नहीं रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है और सब कुछ, अब तो दिमाग भी जवाब दे चुका है। तो भैया ने फिर मुझसे एक बात बोली, भैया ने बोला, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस उस चीज को हमने गांठ बांधा और हम लोगों ने फिर री एनर्जाइज होकर के हम लोग अपनी जंगल सफारी पर निकल चुके। 4th डे था हमारा। फिर बस हमारी जर्नी के 3 दिन निकल चुके थे। भाई ने भी मुझसे बोला कि हिम्मत रखो, हिम्मत करने से सब कुछ मिलेगा। फिर हमने अपने आप को हौसला अफजाई की, अपने कंधे पर हाथ रखा कि भाई अभी कुछ और भी है देखने के लिए। बस निकल गए। निकलने के बाद हम लोग 4th दिन गए जंगल में दोनों। सो गाइस, आज हम निकल चुके हैं नई जर्नी के साथ जिम कॉर्बेट की, और नई चीज़ों के साथ और नई ऊर्जा के साथ जो आपको दिखाने वाले हैं कुछ अच्छा। और रोहित भाई ने भी एक दो जगह मुझे बताई है कि भैया यहाँ पर टाइगर बोल रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, कि हम लोग उसके जो पैरों के जो निशान है ना, हम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आजकल, क्योंकि उसके पैरों के निशान से ही उसके बारे में पता चल जाता है कि कितने होंगे वो, और दूसरा ये उसको ट्रेस करना आसान होता है बाघ को कि आज यहाँ मूवमेंट था। तो हम उसके मूवमेंट को उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको सर्च कर रहे हैं आजकल। और बाकी कल का तो आपने देखा ही है कि कितनी मेहनत की थी और कुछ मिल नहीं पाया था। हमने इससे थोड़ा सा आगे अभी जाएंगे हम लोग, तो उस लोकेशन में हमने अभी लास्ट टाइम बाघ देखा था, लेकिन उसका जो टाइमिंग थी वो बहुत कम टाइम के लिए हमें दिखा था, बस जंप लगाते हुए। लेकिन उस बाघ का जो वेट, मैं मानता हूँ यंग बाघ था वो, और उसका जो वेट होगा आई थिंक वो 300 केजी से प्लस था, 3 क्विंटल से प्लस। और बताते हैं कि वो जो यहाँ का बाघ है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बाघ है यहाँ का, और काफ़ी बड़ा है। हमें मिला था और सडनली उसने जंप लगाई थी। टाइमिंग ऐसी थी उसकी कि हम लोग उसे ज़्यादा देर तक कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाए थे।
क्या हुआ भैया जी? अभी अभी हुआ क्या यार, कभी कभी किस्मत साथ देती भी है और नहीं भी देती है। किस्मत ने साथ दिया कि हमें रोड की राइट साइड में एकदम लेपट बैठा हुआ मिला, और इतनी देर में हमने गाड़ी को टर्न किया, वो अंदर जा चुका था और हार्ट बीट बढ़ चुकी थी मेरी। और लेकिन लेपर्ड इतना ब्यूटीफुल है वो, कि एक एक डॉट उसका बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। बहुत हेल्दी लेपर्ड है, बहुत प्यारा था। लौट कर फिर वापस आ गए, फिर हमारे दिमाग ने जवाब दिया कि बेटा क्यों थक रहे हो, कुछ नहीं है, और भी गम है जमाने में जिम कॉर्बेट के सिवा। तो फिर हमने सोचा, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत करते रहे कि चलो पाँचवें दिन और जाते हैं। पाँचवें दिन हम लोग, बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और उस बारिश में तूफानी बारिश थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हम लोग चलते चले गए। और जाने के बाद अचानक इन लोगों की, लगभग सभी लोग नींद में थे, मैं ड्राइव कर रहा था, तो मैं क्या देखता हूँ कि एकदम जस्ट सामने भैया टस्कर है, ये पीछे ले लो भैया जी, टस्कर है भैया जी, जाने दो जाने दो, हमारा कामयाब कर भैया जी, एकदम से टस्कर आ गया भाई साहब, समझ लो रोक लो, मुड़ गया है ना वो, मुड़ा नहीं है देखा है। और तो नहीं है भैया कोई हाथी वाथी आगे पीछे, पता कुछ नहीं, पीछे देख लो भाई साहब, पीछे देखो यार कासिम भैया, भाई साहब एकदम से टस्कर आ गया, हाँ एकदम से टस्कर आ गया सामने, लाइट मत चलाओ भाई, कासिम भाई लाइट अभी तो होता ना, अरे इससे दिख रहा, लाइट मत चलाओ, हाथी के मामले में लाइटें नहीं जलाते, ये अटैक कर देगा एकदम से। भीगा हुआ एक कड़ हाथी हमारे सामने आता है, और मैं गाड़ी के एकदम ब्रेक मार के गाड़ी टर्न मारता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ से निकलो किसी तरह से। अब भैया ये देखो, और अभी हम बोलते हुए जाते कि यहीं पे कॉरिडोर है, गाड़ी बैक करता हूँ, और इक्कड़ हाथी बिल्कुल ठीक हमारे सामने, और हमारी गाड़ी उसके सामने थी, और हम लोगों की डॉक्यूमेंट्री की स्थापना हुई जब हमें इक्कड़ हाथी प्रॉपर देखने को मिला। यार ये तो है ना, ये मेरे साथ हमेशा रहता है, और मैं जैसे जो भी इसको जब भी बोलता हूँ ना, तो सिर्फ हाँ हाँ करता है, खाना खाया, हाँ खाना खाया, हाँ। घूमते हुए, और भाई ने बोला ही था कि भाई निराश मत हो, तो अचानक हमारे सामने एक कड़ हाथी आ गया, और हमने देखा कि अरे वाह हमारी मेहनत रंग ले आई। तो हम लोगों में फिर हम लोग री एनर्जाइज हो गए, और एनर्जी आने के बाद हम लोगों ने फिर अपना सफर जारी रखा। लेकिन हुआ क्या हमारे साथ, फिर वही दो तीन दिन जाते रहे आते रहे, लौट करके कुछ भी नहीं मिला। और इस टाइम रात का बज चुका है एक, और हम निकलने वाले हैं जंगल सफारी के लिए, और रोहित भाई बिल्कुल तैयार हैं। भैया जी, और भैया जी आज आपका जरा थोड़ा सा कैमरा हम पकड़ के दिखा दें, रात का बज गया है एक, अभी दिखाता हूँ जरा फोन के अंदर, पौने एक बज गया, पौने एक बज चुका है। और भैया जी, रोहित भाई देखो गाड़ी अपनी वो आ रही है दूर, गाड़ी अपनी दूर देश से आ रही है, ये चला रहे हैं आज कासिम भाई ऑन द रॉक्स, यो आज इसे इन्हें ऐसे उठा के ले आएगा, तुम चेंज भी ना करन दिया चेंज भी ना करन, तुम सोच रहे थे कि हमारे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी जिम कॉर्बेट पार्क के लिए, और रात का एक बजने वाला है, और हम लोग निकल चुके हैं, सभी भाई लोग रेडी हैं बिल्कुल। और आज तो कासिम भाई बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, एकदम टी शर्ट में और किस में कच्चे में शॉर्ट में आज जैसे कि हम लोग दिन में निकले थे बाघ को देखने के लिए, ये हमारा आमडंडा का पहला गेट है, और यहाँ से हमारी एंट्री होती है। जैसे ही आप जिम कॉर्बेट पार्क आमडंडा गेट से एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर आपको हमारे थोड़ा सा चलने के बाद एक दरगाह मिलती है। यहाँ की मान्यता है, यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप सच्चे दिल से कोई भी मुराद कोई भी दुआ करते हैं तो वो पूरी होती है।
तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चाय की टपरी पर। सो फाइनली गाइस चाय का कुल्हड़ हाथ में आ चुका है और नींद धीरे धीरे जा रही है। अभी हमने आगे जा कर के अभी बाघ की एक्टिविटी नोट की और वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब स्मेल दुर्गंध आ रही थी और हमने वहाँ पर उसका आधे घंटे सर्च किया, वेट किया, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पहाड़ है उसके पास छुपा हुआ था और हम प्रॉपर अंदर नहीं जा पाए जिसकी वजह से वो नहीं दिख पाया, लेकिन उसकी दुर्गंध बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बैक टू पवेलियन हो रहे हैं वापसी की ओर और बाकी इसी होप के साथ कि जल्दी हमें आज या कल में बाघ दिख जाए। और हम लोग उदास मन से चाय की टपरी से चाय पी करके और वापसी की बातें कर रहे थे और सोच रहे थे यार कुछ मिले कि अचानक मैं क्या देखता हूँ कि एकदम से कम यार तो कहाँ है अपना वोकी कहाँ है मुझे बड़ा शॉट ले लो, ओवर एंड आउट शॉट ले लो। नीचे से निकल के भागता है और निकल के भागने के बाद फिर हमने उसका मूवमेंट चेक किया तो सब चीजों के लिए तो हम वेट कर रहे थे जो रात के 8-10 दिन हम लोग जागे थे तो वो हम लोग दिखा पाए, बना पाए। और ये जर्नी जो रही हमारे साथ बहुत रोमांचक जर्नी रही और मुझे लगता है कि ये मेरी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आप लोगों को भी वाइल्ड एनिमल से और नेचर से प्यार हो गया होगा और इन सभी बातों को लेकर मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री का यहाँ पर एंड करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी और नए रोमांच के साथ नई चीज़ों के साथ आपको मिलते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।